गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए और गणपति बाप्पा का यह उत्सव उत्साह से मनाने के लिए आए हुए सभी भक्त जनों का स्वागत है। भगवान के प्रति हमारे मन में बसी श्रद्धा और मजबूत हो, इस हेतु निजाई परिवार की तरफ से सादर है यह छोटी सी कोशिश। यह है पृथ्वी, धरा वसुंधरा। यह धरा अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय है। इस पृथ्वी पर भगवान ने पशु पक्षी मनुष्य बनाकर बारिश ठंडी गर्मी जैसे मौसम निर्माण कर समुद्र पर्वत नदी हरियाली ऐसे निसर्ग से सजाकर इसको इतना सुंदर बनाया है कि इसके सामने रत्न जड़ित गहना भी फीका लगे। और इतना ही सुंदर जीवन भगवान ने इस पृथ्वी के मनुष्य प्राणी को भी प्रदान किया। भगवान ने इंसान को मन बुद्धि और वाणी प्रदान कर उसे पशु पक्षी और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाया। और इसी मन बुद्धि वाणी की वजह से इंसान ने इतनी प्रगति कर ली कि आज वो स्वयं भगवान को ही भूल गया। आइए देखिए इस कड़वे सच को। Let me introduce myself. I am a scientist. मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने अपनी कुशलता से बहुत सारे संशोधन किए हैं। मेरी वजह से तुम तकनीकी सुविधा का फायदा उठा सकते हो। I am a scientist. मेरी वजह से तुम आसमान में प्लेन या हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हो। मैंने बनाए यंत्रों से सृष्टि के तापमान हवामान बारिश या आकाश में स्थित ग्रह और तारे सबकी जानकारी मिलती है, इसलिए तुम मुझे ही भगवान मान लो। आई एम अ साइंटिस्ट, यू कैन कॉल मी क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। गणपति बाप्पा ने मोदक लड्डू कम खाने चाहिए क्योंकि इसमें शुगर होता है। शुगर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। एज द ब्लड सर्कुलेशन स्लोज डाउन, ब्लड डजंट रीच द हार्ट। दिस डिस्टर्ब्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक। देखा, हम डॉक्टर्स आप इंसान के शरीर को कितना जानते हैं। डॉक्टर्स ही इंसान को जीवन दान देता है। इंसान का जीना या मरना हम डॉक्टर्स के ही हाथों में होता है। इसलिए इंसान ने उस पत्थर की मूरत को छोड़कर हम डॉक्टर्स को ही भगवान मानना चाहिए। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट सब बकवास है। आज तो पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा ही ना हो तो क्या तुम डॉक्टर से इलाज ले सकोगे? बिना पैसे आपको प्लेन में बैठने कौन देगा? पैसों से ही हम गाड़ी बंगला ऐशो आराम, इतना ही नहीं बल्कि मंत्री सरकार शिक्षण संस्था सभी को खरीद सकते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ। क्योंकि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? हा? क्या हुआ तुम सबको?
कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हे अज्ञानी बालको, अगर सृष्टि में मैंने निर्माण की हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही न होती तो क्या तुम प्लेन्स उड़ा सकते? डॉक्टर्स पेसमेकर से हार्ट को कुछ समय के लिए ही बचा सकते हैं, लेकिन मत भूलना हृदय में स्थित बंडल ऑफ हिस नामक नसें होती है जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। वे मेरे ही नियंत्रण में हैं। पैसे कमाने की अगर बुद्धि ही मैंने न दी होती तो तुम पैसे कैसे कमाते? और हमेशा ध्यान में रखना, पैसों से तुम जान बचा सकते हो, जिंदगी नहीं। पैसों से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसों से तुम मकान खरीद सकते हो, परिवार नहीं। पैसों से तुम हंसी खुशी समाधान नहीं ला सकते। वो क्या बात थी जिसकी वजह से तुम कुछ क्षण पहले कुछ और अभी कुछ और हो गए हो? वो क्या था जिसने तुम्हें इंसान बनाए रखा था? वो कोई और शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी जान थी, तुम्हारे प्राण थे। इसलिए बालको, अपने भीतर के अज्ञान और अभिमान को खत्म करो और अपने आप में स्थित शक्ति को जानो। तुम्हें मेरी चेतना का अनुभव होगा। भगवान ने आज हमें परम सत्य समझाया। जब तक है जान तब तक हम हैं इंसान। जान निकल जाए तो रह जाती है सिर्फ बॉडी। हमने सुना है किसी के मर जाने के बाद कहा जाता है कि बॉडी अभी हॉस्पिटल में है, बॉडी को कब उठाना है, बॉडी को कब जलाना है। हम पर गणपति बाप्पा की कृपा है, इसीलिए हमें आज सत्य का ज्ञान हुआ। इसीलिए हम आज बाप्पा से प्रार्थना करते हैं कि बाप्पा अपनी कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रखना। जब तक है जान।